महबूब नगर में सबील ट्रस्ट की जानिब से रोजगार मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम की सदारत सेक्रेटरी सबील ट्रस्ट मौलाना नईम कौसर रशादी ने की, जबकि बाहैसियत मेहमाना ने खुसूसी मौलाना अमीर मिलत अलहाज उल्लमा मौलाना सैयद शाह जमालुर्रहमान मुफ्ताही दामद बरकातम, रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, अल्लामा मौलाना पी एम मुजम्मिल अहमद साहब रशादी बेंगलुरु ने शिरकत की और मेहमान एजाजी निजाम पाशा सदर नशीन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक महबूब नगर, अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस अनवर पाशा इम्तियाज एसाफ ने शिरकत की। इस मौके पर ट्रस्ट की जानिब से 10 लाख की लागत से जुमला 80 अफराद में छोटे कारोबार के लिए जरूरी सामान ठेला बंडियां मेवाजात वो सामान कंप्यूटर लैपटॉप 50 सिलाई मशीनें और गैर मुस्लिम हजामों को इसलाह खाने के लिए दरकार सामान वगैरह दिया गया। इसके अलावा 4 मुस्तहक खानदानों की लड़कियों के लिए शादी का सामान पलंग बिस्तर वगैरह शामिल है। इस मौके पर रियासती वजीर एक्साइज व सियाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सबील ट्रस्ट की जानिब से की जा रही सरगर्मियां काबिले सताइश हैं और उन्होंने ट्रस्ट के सभी जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी। अमीर मिलत अलहाज अल्लामा मौलाना सैयद शाह जमालुर्रहमान मुफ्ताही दामद बरकातम ने कहा कि सबील ट्रस्ट की जानिब से अंजाम देने वाला ये काम एक अजीम काम है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मौलाना पी एम मुजम्मिल ने कहा कि आज के पुराशुभ दौर में जहां भाई का नहीं बेटा बाप का नहीं वैसे दौर में लोगों की खिदमत करना रोजगार फराहम करते हुए खिदमत खल्क का अजीम काम अंजाम देना काबिले सताइश अम्र है। उन्होंने सबील ट्रस्ट की खिदमत वो काबिले सताइश कहा। इस प्रोग्राम में जिम्मेदारान ट्रस्ट मौलाना फखरुद्दीन रशादी मौलाना अब्दुल रशादी मौलाना जहीर खान के अलावा दीगर कायदीन इस्तेफादा कुरिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना आने के पहले अपने को क्या तकलीफ था, तेलंगाना आने के बाद आप लोगों को क्या क्या हुआ एक बार याद रखना। क्यों बोले तो अपन लोग कोई भी नहीं जाती जल्दी बुझ जाते, काम होने के बाद बुझ जाते, कौशल साहब चिरा देता एक महीने में एक साल में बुझ जाते, मगर कोई हेल्प कर ऐसे लोगों को याद रखना, अपन भी थोड़ा गरीब लोगों को भी कुछ हेल्प करना बोल के दिल में रखना। आज हम आने के बाद ये महबूब नगर में क्या कितना लोग बैठा हुआ है घर में पूछो, आज हम आने के बाद 2000 पेशेंट से कितना लोग रहे, कितना लोग कितना अच्छा हुआ महीने महीने आप माँ बाप गरीब लोगों का बुढ़े लोग 2000 से कितना फायदा हो रहा है, 2000 से कोरोना समय में कितना हो पा रहे आप लोगों को देखना। महबूब ने कुंडल छोड़ने के पहले शाशा कुटाम हमारे इंतजार भाई गए तो शाशा कुटा का कब्रिस्तान बन गया, एक एकड़ दिलाना मेरे खुल के वो एक डिमांड है। मगर हम आने के बाद 2-3 महीने में 15 एकड़ का जमीन मुसलमानों को कब्रिस्तान को ले दीजिए चारों तरफ में दे दे के आप लोगों को हैंडल कर दिया। हमारे लोग मरने के बाद कोई भी उधर उधर जाने की जरूरत नहीं रहना, चारों तरफ में लैंड आना बोल के लैंड पोजीशन आप लोगों को दिलाए। पानी के लिए किसको तकलीफ था, आज दिन डेली पानी आ रहा, चावल 20 किलो जितने के अंदर 20 किलो चावल के तुम क्या ऐसा था, मगर आज हर एक आदमी की 6 किलो वैसा चावल दे रहे हम लोग 1 रुपये। कोरोना समय में भी एक आदमी की 15 किलो चावल भी दिया, कोरोना समय में बड़ा चारा मंदिर चलिए कहानी इकड़ा महेंद्रगर लो इंजेक्शन। नाज़रीन हमारे टीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें और किसी एडवर्टाइजमेंट से मुतालिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9550102020।